हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही स्पेशल बनाने जा रही हूँ। छठ पूजा में ये बनाया जाता है और इसका नाम है ठेकुआ। आप सब इससे अवगत हैं भली प्रकार से। तो ठेकुआ मेरा हम पहली बार बना रहे हैं। ठेकुआ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो प्रसाद के रूप में उड़ता है। जो प्रसाद के रूप में जो भी चीज़ें रहती है वो अच्छी ही रहती है, वो स्वाद में टेस्टी ही लगता है। तो चलिए बनाते हैं ठेकुआ। उसके लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया है और एक कटोरी मैंने लिया है गरी का बुरादा। और यहाँ पर मैंने अभी ग्राइंड नहीं किया, ये देखिए थोड़ा सा चीनी रख लिया, उसी में उसी के साथ मैंने किशमिश थोड़ी रख दी है। और इसके साथ अभी थोड़ा सा मखाना भी डाल देंगे। आप इसमें वो भी छुहारा भी डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो उससे क्या रहेगा, ये हेल्दी भी रहेगा। तो चलिए अब हम इसे उसको ग्राइंड करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हमने इसको ले लिया है, मखाना भी ले लिया, उसमें डाल देंगे और सारे को एक साथ ही हम ग्राइंडर में इसको पीस लेंगे। ये हमारा देखिए, हमारा हमने पीस लिया, इसको ग्राइंड कर लिया, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा महीन नहीं किया है, ये देखिए। और जो इसमें मखाने में जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है उसको भी हमें निकाल देना है। ये देखिए मैंने निकाला हुआ है, ये इस टाइप का निकलेगा, उसको भी निकालना वरना मुंह में आ जाएगा। अब इसको हम जितना हमको ज़रूरत है उतना ही डालेंगे और बाकी हम सूजी का हलवा बनाएंगे उसमें यूज़ कर लेंगे। तो चलिए डालते हैं। ऐसे ही डाल देंगे, सारा डाल देंगे, सारा ही डाल देंगे इसको। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आप इसको बचा कर रखते हैं, आप हलवे में डाल सकते हैं। और इसमें गरी का ये बुरादा, जो गरी का बुरादा उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप जो है खड़ी, आप मतलब बिना पीसे भी आप चीनी डाल सकते हैं, बट हम उसमें ये दिखाई देता है तो इसमें ये दिखाई नहीं देगा। और आप जो है पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने दूध लिया है इसको गूंथने के लिए। और बहुत ही कड़ा गूंथना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है इसको, बिल्कुल सख्त ही रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करेंगे। कुछ लोग पानी से गूंथते हैं और कुछ लोग इसमें हम इसको गूंथ रहे हैं दूध की सहायता से। देखिए इसको ऐसे करना है और इतना ही, ये देखिए ऐसे ही कड़ा कड़ा बनाना है। ये देखिए हमारा ये रेडी हो रहा है। और बिल्कुल इसमें थोड़ा सा दूध डालना था, और क्योंकि इसमें चीनी में भी हल्का हल्का पानी निकलता ही है। देखिए इसको अच्छे से हमको बिल्कुल दम लगा के हमको उसको अच्छे से करना है। और ये अगल बगल जितना भी इसको हम ले लेंगे, और मेरे पास इसका साँचा नहीं है तो हम बिना, ये रेडी हो गया हमारा। बहुत ज़्यादा अगर पानी हम कर देंगे इसमें डाल देंगे या दूध डाल देंगे यार, तो ये क्रिस्पी इसमें नहीं आएगा। आप इसमें सूजी भी डाल सकते हैं, बट मैंने केवल आटे का ही यूज़ किया है। सूजी भी डाल सकते हैं आप, इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। हो गया अच्छे से। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के अब इसको हम बनाएंगे। देखिए तेल हमने कढ़ाई में रख दिया, इधर धीमे धीमे ये तेल गर्म हो रहा है, इधर हम लोग ठेकुआ बनाने जा रहे हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। ये देखिए ऐसे लिया, अब इसको मेरे पास साँचा नहीं तो इसकी सहायता से ऐसे कर दिया, अब ऐसे कर दिया, बीच में पीछे भी ऐसे ही कर दिया, डिजाइन बन गया इसका। अब ऐसे ही करके हमको रखते जाना है यहाँ पर। छोटी छोटी लोई लेके ऐसे कर लिया, देखिए ये इसको ऐसे प्रेस कर देना है इस पर ताकि इसकी डिजाइन इस पर बन जाए।
और ये ऐसे ही कर देना है, सेम ऐसे से करते जाना आपको। ऐसे बिल्कुल पतला रहता है ना, ऐसे ही करेंगे। अब इसको ऐसे करेंगे, प्रेस करेंगे, ये देखिए हो गई डिजाइन ना ठिकू वाली। इसमें आप सूजी, मैदा और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, जो मैंने नहीं दिया है, आप लोग इसको ले सकते हैं। और दूध के बदले आप लोग पानी से भी इसको गूंथ सकते हैं। ये देखिए ऐसे किया और ये ऐसे। तब तक हम इसको डालते हैं, मेरा यहाँ तेल गर्म हो गया। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया। अब धीरे धीरे हम इसको डालेंगे, धीमी ही आंच पे इसको पकाना है, वरना ये अंदर नहीं पक पाएगा। डाल दिए हैं, तेल गर्म हो गया अच्छे से। अब इसे चीनी डालें तो चीनी भी हल्की से मेल्ट हो जाएगी इसमें गर्म पाके ही। थोड़ा सा नीचे लगने लगेगा तभी इसको हमको पलटना है, वरना ये फूट सकता है। तब तक हम लोग इधर और बनाते जा रहे हैं। ठीक हुआ, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि प्रसाद की चीज़ तो सब अच्छी लगती है। डेली बनाइए तो वो स्वाद नहीं रहता जो जो प्रसाद में रहता है स्वाद। देखिए मुझे लगता है रेड हो गया है, ये देखिए कितने अच्छे से हो गया है, दिख रहा है आपको रेड रेड। देखिए तेल अच्छे से गर्म था, इसे जल्दी हो गया। वैसे भी इसमें चीनी ना, तो चीनी वैसे भी रेड रेड कलर हो ही जाता चीनी से, लेकिन उसको अच्छे से पकाना है हमको। धीमे धीमे होगा ही। इधर हमारा हम ठेकुआ बना रहे हैं, चीनी की जगह आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए रेड कलर में हो गया है, और इसको निकाल लेते हैं। निकाल लिए हैं और बाकी हम धीरे धीरे डालेंगे। और ये देखिए उसको निकाल दिए हैं, अब थोड़ा सा अब और डालते हैं। यहाँ पर बिल्कुल एकदम धीमे धीमे पकाना है, वैसे भी मेरा तेल बहुत गर्म हो गया, इसलिए दूध से इसका मिलता है फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। बिस्किट में देखिए दूध पड़ता है, तो दूध से वो बिस्किट कैसा लगता है, टेस्टी लगता है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है दूध में। तो आप इसमें दूध का इसलिए इस्तेमाल किए हैं, और इसको हेल्दी बनाने के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें जो मेरे पास थे वो मैंने डाल दिए हैं। आप इसमें छुहारा भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। ये देखिए अब ये हमारा रेड हो गया है, रेड कलर का। अब इसको हम निकाल लेंगे, अच्छे से रेड हो गया, इसका मतलब अच्छे से नीचे पक गया है। ये देखिए ये जो है, अब इसके बाद ये जब ठंडा हो जाता है तभी बहुत ज़्यादा कुरकुरा लगता है। तो देखिए रेडी हो गया हमारा ये डिलीशियस ठेकुआ। देखिए किस कलर का हो गया है, ये ठंडा होने पे ये बहुत गर्म, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट है, लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा ठंडा होने पे क्रिस्पी हो जाता है। ये देखिए, और देखिए इसमें जो चीनी दिख रही ना, ये आपको दिख रही हल्का दरदरा मैंने पिसा था, दिखाई दे रही है। तो आप सभी को
छठ की ढेर सारी शुभकामना, छठ आने वाला है। और ठेकुआ बनाइए आप लोग, बहुत ही टेस्टी लगता है बिना किसी मोयन के और बिना पानी का इस्तेमाल किए। आप ठेकुआ बना के एक बार देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कैसे बना, क्योंकि मेरा वाला तो मुझसे पहली बार मैंने बना था लेकिन अच्छा बन गया और मुझे बहुत पसंद है ठेकुआ, मेरे बच्चे को बहुत पसंद है मीठा, तो हम लोग तो खाएंगे ही। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा, आप लोग भी खाइएगा। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और